पार्ट 2 की वीडियो में आपका स्वागत है। पार्ट 1 का वीडियो जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व कर चुके थे, और ये पार्ट 2 वाले वीडियो में हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है इनपुट आउटपुट। हम लोग इनपुट आउटपुट की ओर चलते हैं। अगर आप लोग इनपुट आउटपुट पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी मेरा इनपुट आउटपुट का टाइप्स है उन सब का लास्ट स्टेप देखकर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका अरेंजमेंट निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि इसको कैसे अरेंज किया गया हो। ठीक है, तो आपका इनपुट आउटपुट अगर ये वाला देखा जाए तो ये आपका जो है ये आपका नंबर बेस्ड अरेंजमेंट है। आपका नंबर बेस्ड अरेंजमेंट है, एक आपका अल्फाबेट बेस्ड अरेंजमेंट आता है, नंबर बेस्ड अरेंजमेंट आता है, मिक्स आता है, साइज वाइज वगैरह आता है। ठीक है, इसका हम लोग को क्या किया गया लास्ट वाला स्टेप देखने के बाद पता चलेगा कि इसको अरेंज कैसे किया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका लास्ट वाला स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट वाला स्टेप आपका है कौन सा, तो आपका 9 है लास्ट वाला स्टेप। ठीक है, चलिए, तो इसको यहाँ दिया क्या गया है 89, 73, 43, 29, 17, 16, 33, 56, 57, 75 दिया गया। ठीक है, 89, 73, 60, 43, 29, 17, 16, 33, 56, 57 और 75 ये दिया गया आपका। तुम लोग देखेंगे क्या किसका अरेंजमेंट कैसे किया गया। ठीक है, तो अरेंजमेंट जैसे ही हम लोग देखेंगे यहाँ पे, है ना, देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक में कुछ और अरेंजमेंट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक में क्या है कुछ और आपका अरेंजमेंट दिया गया है। जितना भी अरेंजमेंट यहाँ से यहाँ तक दिया गया सब आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सब आपका क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है, और यहाँ से यहाँ तक का आपका जो भी अरेंजमेंट आपका दिया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे क्या 89, 73, 43, 29 और 17 दिया गया है। ये टोटल आपका क्या है कि टोटल आपका प्राइम नंबर है जो आपका सेल्फ से डिविजिबल होगा या फिर वन से डिविजिबल होगा। ठीक है, दूसरा आपका क्या है नॉन प्राइम नंबर, दूसरा आपका नॉन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंसेस है, तो ये दोनों का डिफरेंस है आपका प्राइम नंबर और एक नॉन प्राइम नंबर वाले में, तो आपका अरेंजमेंट में भी आपका डिफरेंसेस कंफर्म होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या ये यहाँ से यहाँ तक 3, 2, 5 यहाँ भी 3, 2, 5 करके अरेंज किया है, तो ये तो मेरा 50% काम हो गया। पता चल गया हमको कि पहला जो अरेंजमेंट है वो हाफ का डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट है, दूसरा जो आपका सेकेंड हाफ वाला अरेंजमेंट है वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और पहला वाला आपका प्राइम नंबर है और दूसरा वाला आपका क्या है नॉन प्राइम नंबर है। अब इसका हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे। इसका पहला स्टेप देखिएगा, पहले स्टेप वाले में क्या लिखा गया, पहले स्टेप वाले में 89 को लाया है, लेफ्ट से किसको लाया है 89 को। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा ट्रिकी वैसे आएंगे ये, अगर शॉर्टकट नहीं आएंगे तो अगर लॉन्ग कट बनाएंगे लॉन्ग वाले ज्यादा मेथड से तो एग्जाम में टाइम उतना रहता नहीं है, और प्रैक्टिस शुरू से कीजिए कि हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से ही चले। ठीक है, एक लॉन्ग से भी चले, एक शॉर्टकट ट्रिक से चले, जो लग जाए एग्जाम्स में, जो मेरे दिमाग में एट अ टाइम आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट वाले स्टेप में क्या किया गया 89 को लेफ्ट से लाया गया। अब देखना क्या है कि फर्स्ट वाला स्टेप में जैसे ही 89 को लेफ्ट से लाया है वैसे ही क्या किया है आपका कि किसी को भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, किसी से कोई भी आपका डिजिट से बाकी सब का एजिजिबल क्या किया है छोड़ दिया है, जैसे लिखा गया था वैसे ही आपका लिख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है सेकंड वाला स्टेप में देखेंगे। सेकंड वाला स्टेप में क्या किया 89 तो था ही, 56 तो था ही, क्या किया गया है 16 को राइट से लाया गया, 16 को क्या किया गया है राइट से लाया गया। मतलब कहने का ये है कि आपका प्राइम नंबर को लेफ्ट से राइट वाले सीक्वेंस में ले जाएगा और नॉन प्राइम नंबर वाले को राइट से लेफ्ट वाले के सीक्वेंस में लाएगा। ठीक है, थर्ड वाला स्टेप में 73 को लाया है, थर्ड वाला स्टेप में किसको लाया है 73 को लाया है, और फिर फोर्थ वाला स्टेप में देखिए 33 को लाया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका फाइव वाला स्टेप में देखिए 56 था 73 के बगल में, लेकिन फोर ये फाइव वाले स्टेप में 43 को लाया है, 43 को लाया है, और जैसे ही 43 को लाएगा तो उधर सिक्स वाले स्टेप में देखिए किसको लाएगा 56 को। ठीक है, ये अरेंज है। अब देखना क्या है कि भैया 43 के बगल में है ना स्टेप आपका सिक्स में तो अरेंज हो गया, स्टेप सेवन में आपका 43 के बगल में ऑलरेडी आपका 29 है, तो ये 6 डैश में ही अरेंज हो रहा है, मतलब
अगर कोई आपका वर्ड या कोई डिजिट आपका एक स्टेप में अरेंज हो रहा है, मतलब आपका दो वर्ड या डिजिट अगर आपका एक स्टेप में अरेंज हो रहा है, तो एक का तो स्टेप जाएगा और एक में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डैश से उसको इंडिकेट करेंगे। अगर एक वर्ड अरेंज खुद ब खुद हो रहा है तो वन डैश, या फिर जो भी डैश सिंगल डैश रखेंगे अगर दो स्टेप में, या अगर आपका दो वर्ड अरेंज हो रहा है तो उसको क्या करेंगे हम लोग डबल डैश से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो छह वाला हो गया। तो यहाँ कंफर्म क्या है कि ये सात वाले में क्या आ जाएगा, आपका सत्रह अरेंज हो जाएगा। जैसे ही सत्रह अरेंज होगा तो आपका आठ वाले में देखिए लास्ट वाले में 57 अरेंज करेगा और नाइन वाले में क्या करेगा 75। अगर ये आठ के बाद खुद ब खुद 75 चला आता तो हम लोग क्या करते, इसको एट डैश से इंडिकेट करते, क्योंकि एक स्टेप में दो वर्ड या दो डिजिट आपका अरेंज हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ नहीं आया तो मेरा एक स्टेप क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखो मेरा नया वाला क्या इनपुट दिया गया, मेरा नया वाला इनपुट दिया गया यहाँ पे लास्ट स्टेप, सॉरी पहले इनपुट लिखते हैं, इनपुट यहां दिया गया 67, 69, 37, 85, 25, 13, 59, 93, 73 और आपका 78। क्वेश्चन मिला लीजिए 67, 69, 37, 85, 25, 13, 59, 93, 73 और 78 आपका दिया गया है। अब क्वेश्चन सबसे क्या बोलेगा, इसका फाइनल स्टेप पूछ सकता है, स्टेप 5 पूछ सकता है, स्टेप 4 पूछ सकता है, स्टेप 3 पूछ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन वही दिया गया है सर, व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ फॉर द गिवन इनपुट, है ना, लास्ट स्टेप आपका इस इनपुट के लिए कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते क्या है लास्ट स्टेप, बस हमको देखने से ही पता चलेगा कि भैया ये लास्ट स्टेप क्या है, अरेंज होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ डी नंबर ऑप्शन देखेंगे, डी नंबर वाले में क्या लिखा गया, 73, 67, 59, 37, 13, 25, 69, 78, 85 और 93। ठीक है, ये एलिमेंट बस देखने से पता चल रहा है कि इसका ये लास्ट स्टेप होगा, क्योंकि प्राइम नंबर और नॉन प्राइम नंबर दोनों उसमें अरेंज होना चाहिए, और प्राइम नंबर जो होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, उसके बाद जितना भी नॉन प्राइम नंबर होगा आपका सारा क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या यहाँ से यहाँ तक, देखो 3, 2, 5 यहाँ पे और यहाँ 3, 2, 5, मतलब ये आपका नॉन प्राइम नंबर हो गया और ये आपका क्या हो गया, ये आपका टोटली क्या किया है, ये स्टेप बाई जिसको भी अरेंज करेगा, जैसे कि हम इसको अरेंज किए थे, है ना, लास्ट वाला को क्या करेगा वैसे ही अरेंज करेगा। तो क्वेश्चन ये हो गया, लिखा है कि बीच में मरीज द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड इन द स्टेप 5, है ना, बोला क्या कि आपका राइट एंड से स्टेप कितना बोला, स्टेप चौथा बोला आपका। ठीक है, चौथा स्टेप बोल रहा है, पहले तो लोग निकालेंगे क्या कि कितने स्टेप में अरेंज होगा, एकदम शॉर्टकट से ही निकालिएगा, 1, 1-2, 2 करके आराम से निकल जाएगा एक ही बार में। ठीक है, स्टेप 5 निकालिए और स्टेप 5 में क्या करना है, उसका राइट से, राइट एंड बोले या राइट दोनों बात बराबर होता है, राइट से आपका फोर्थ एलिमेंट आपका बताना है कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या लिखा हुआ, व्हाट इज व्हिच नंबर इज फोर्थ एलिमेंट, ये तो हो चुका है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, एक आपका स्टेप दे दिया गया, स्टेप देने के बाद बोला क्या गया है कि बताइए ये कौन सा स्टेप है, इनपुट का आपका कौन सा स्टेप है, है ना, तो हम लोग को इनपुट उसका लिखना है और देखना है कि कौन सा आपका स्टेप है, वो खुद ब खुद पता चल जाएगा देखने के बाद, अगर ये ऊपर वाला आपको ऊपर वाला सही से समझ में आया होगा तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका 27, व्हाट इज द सम ऑफ थर्ड एंड सिक्स्थ एलिमेंट इन स्टेप 4th टेकन फ्रॉम द लेफ्ट एंड, मतलब आपका स्टेप 4 में लेफ्ट एंड से बाएं छोड़ या ओर से या फिर बाएं से आपका तीसरा और छठा जो भी नंबर होगा उसका सम क्या होगा, दोनों को जोड़ देना है मतलब आपके हाथ में। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 28 क्या लिखा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 25 इन लास्ट स्टेप फ्रॉम द लेफ्ट एंड, अब देखो लास्ट स्टेप तो बिना निकल चुका है, अब लेफ्ट से हमको ढूंढना है 25 का पोजीशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आंसर क्या हो जाएगा 6। ठीक, ऐसे करके क्वेश्चंस आप लोग बनाइएगा, ये जो लोग इनपुट आउटपुट नहीं पढ़े होंगे उनको समझ में नहीं आया होगा मेरे हिसाब से, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका भी हम क्या करें कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। ठीक है, पजल दिया गया है,
क्वेश्चन में लिखा क्या गया है कि एट फ्रेंड है ना, एट फ्रेंड आपका कंपनी का नाम दिया गया, कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, सारी कंपनी का नाम, और वो अलग अलग सिटी से क्या बिलोंग करते हैं, ठीक है, नाम भी सबका दिया गया है, गोवा, दिल्ली, कोलकाता, पुणे, इंदौर, मुंबई, लेकिन जरूरी नहीं सेम ऑर्डर में, मतलब जिस ऑर्डर में आपका दिया गया है उस ऑर्डर में ये आपका जरूरी नहीं है। दे ऑल्सो अर्न डिफरेंट सैलरीज फ्रॉम, है ना, आपका अलग अलग सैलरी भी आपका क्या करते हैं वो ले रहे हैं। तो क्वेश्चन सबका क्या है, सैलरी भी दे दिया कितना, 18 के 18 22 के 25 के 37 के जो भी है दे दिया गया है क्वेश्चन में आपका, ये भी आपका सेम ऑर्डर में नहीं। हम लोग क्या करेंगे, आपका नेम लिस्ट पर जाने, नेम को आराम से सेम ऑर्डर में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है ना, नेम को सेम ऑर्डर में लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, नाम को सेम ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं ले लेते हैं। एक आपका क्या दिया गया, कंपनी का नाम दिया गया ना, और यहाँ नेम दिया गया, ठीक है, फिर आपका क्या दिया गया, सिटी भी दिया गया है, फिर आपका सैलरी भी दिया गया, मतलब चार चार कैटेगरी है इसमें, और एक दो पॉइंट इधर आपका नहीं होगा वो हम फिर अब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं और इसको फिलअप कर दिया जा रहा है। सी बिलोंग्स टू गोवा एंड अर्न 25K ही मान लेते हैं, चलो सी बिलोंग्स टू गोवा, और कितना ये अर्न कर रहा है, सी वर्क्स इन विक्रो, विक्रो सॉरी सर, सी वर्क्स इन क्या हो जाएगा, विक्रो एंड बिलोंग्स टू कोलकाता, चलिए ठीक है, एफ बिलोंग्स टू चेन्नई एंड अर्न 37K, एफ बिलोंग्स टू चेन्नई एंड अर्न 37K, ठीक है, द वन हू वर्क्स इन इंफोसिस इज अर्निंग 62K, मतलब एक इंफॉर्मेशन दिया गया इंफोसिस वाले में, जो काम करेगा वो 62K कमाएगा, ठीक है, चलो फिर लिखा है क्या, डी का सैलरी जो है वो ई और एच के सैलरी के बराबर है, डी का जो सैलरी होगा वो ई और एच के सैलरी के बराबर होगा, और ई का सैलरी जो है वो क्या है, एच से ज्यादा है, ये भी कंफर्म कर दिया, ठीक है, D is not earning 62K, D जो है वो 62K earn नहीं करता है, B works in Titan and earn 42K, B works in Titan and earn 42K, ठीक है, उसके बाद क्या है कि A belongs to Mumbai, A belongs to Mumbai, the one who belongs to Indore earns 22K, है ना, इंदौर से जो बिलोंग्स कर रहा है वो अर्न कितना कर रहा है 22K, ठीक है, द वन हु वर्क इन फास्ट ट्रैक अर्न 40K, चलिए इंफॉर्मेशन भी हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है, द वन हु वर्क्स इन IBM, IBM में जो काम कर रहा है वो कितना अर्न कर रहा है 60K, The one who work in Jio is more than Flipkart. But less than TCS. Okay? As does not belong to Pune. The one belongs to Bangalore more than और बिलोंग्स टू पुणे, एक और इंफॉर्मेशन है कि पुणे वाला से
ज्यादा कमाता है कौन, बैंगलोर वाला। इतना कंफर्म कर दिया, इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया गया। सबसे बड़ा मेरा क्लू है ये दिया कि काफी सारा बॉक्सेस खाली है, पहले तो क्या करें हम बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करना है, हम लोग बस एक छोटा सा फॉर्मूला लगाए, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं। सिंपल हमको देखना क्या है, बोला क्या कि डी का जो सैलरी होगा वो ई और एच के बराबर होगा, ई और एच का निकल जाएगा तो मेरा डी का भी निकल जाएगा और ई का सैलरी एच से ज्यादा होगा, ठीक है, और डी का सैलरी जो है वो 62 के होने वाला है। हमको क्या करना है, जितना भी आपका सैलरी दिया गया है, जितना भी आपका सैलरी दिया गया, कितना कितना सैलरी दिया गया भाई साहब, 18 के मान लो, 22 के, 25 के, 37 के, 40 के, 42 के, 60 के और ये 62, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, चलो ये हमको दिया गया। हमको क्या करना है, 62 नहीं आना चाहिए मेरा, 62 के नहीं आना चाहिए, और इसी में से कोई ना कोई एक सैलरी होगा आपका डी का, है ना, जो सम होगा किसका, ई और एच का, और ई का सैलरी क्या होगा, एच से ज्यादा होने वाला है। हम लोग पॉसिबिलिटी देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगा, 18 के प्लस 42 के 60 हो जाएगा, ठीक है, 22 के प्लस 40 के क्या हो जाएगा यहाँ पे, 62 हो जाएगा, फिर आपका 25 के और 37 के कितना हो जाएगा, 62, फिर 18 प्लस 22 के बराबर कितना हो जाएगा, 40 का। हमको सोचना क्या है यहाँ पे, हमको जरा सा सोचना है, जरा सा हमको सोचना क्या है कि भैया 62 तो होने वाला है नहीं, है ना, मेरे इतना ही पॉसिबिलिटी बन रहा है, तो 62 वाले को काट देंगे, 62 वाला क्या हो जाएगा, नहीं होने वाला, आपका अरेंज ही नहीं होगा ये वाला, क्योंकि बी आपका 62 मांग ही नहीं रहा है, है ना। अब ये 18/42 बराबर 60 है, 42 ऑलरेडी आपका बी का हो चुका है, तो कभी होगा क्या, नहीं होने वाला है, तो डायरेक्टली हम कहा 18/22 पे आएंगे तो 40 हो जाएगा, तो 40 इसका हो जाएगा के, बी का सैलरी 40 के हो जाएगा, 18 आपका एच का रहेगा, ई का आपका 22 रहेगा, क्यों, क्योंकि ई जो है आपका एच से ज्यादा अर्न करना है, तो ई का कितना हो जाएगा आपका 22 के और 18 किसका हो जाएगा आपका एच का, कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से यहाँ पे। चलिए तो अब क्या है, हम लोग देखेंगे 25 के जो कमा रहा है वो इन्फोसिस गोवा में जा रहा है, ठीक है, इंदौर जा रहा है 22 के वाला, तो 22 के वाले को क्या कर देंगे हम लोग, इंदौर कर देंगे, फास्ट ट्रैक वाला कितना कर रहा है 40, तो 40 वाले को क्या कर देंगे, फास्ट ट्रैक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आपका क्या है, आईबीएम कितना कर रहा है, 60 कमा रहा है, आईबीएम आपका कितना कमा रहा है, 60 कमा रहा है, ठीक है। चलिए अब हमको देखना क्या है कि मेरे पास तीन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खाली है, पूरा एडजस्ट होना चाहिए तीनों बॉक्स में, ऊपर नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं होगा, बचा मेरा यहाँ, एनफोसिस होगा, गोवा होगा, और ये क्या होगा आपका 25 के होने वाला है, कुछ और स्टेटमेंट तो नहीं था ना, नहीं था, बैंगलोर वाला से, हाँ ये सही, चलो ये हो गया आपका, तो ये आपका वो खत्म है। फिर आपका और कुछ देखो, फास्ट ट्रैक 40, इंदौर आपका 22 हो गया, इंदौर 22 हो गया, फास्ट ट्रैक 40 हो गया, ये वाला भी हो गया, इन्फोसिस गोवा 25 के भी हो गया, आईबीएम आपका कितना कमाएगा 60, तो आईबीएम यहाँ नहीं होगा, वही प्लस मेरे पास खाली है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 के आई बी और एम, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, पुणे यहाँ नहीं होगा, तो पुणे या तो यहाँ होने वाला है, और कोई जगह खाली है, बैंगलोर का भी जगह खाली है, ठीक है, सारा फुल हो चुका है, तो आपका बचा क्या 42 के 62 के, तो 62 आपका के यहाँ अरेंज हो जाएगा, 62 तो हुआ था नहीं मेरा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या है कि बैंगलोर वाले से ज़्यादा कौन कमाएगा, पुणे वाला, और पुणे यहाँ नहीं होगा, ठीक है, सॉरी बैंगलोर वाला जो पुणे वाले से ज्यादा कमाएगा, तो पुणे यहाँ पे कंफर्म, और यहाँ पे क्या कंफर्म, बैंगलोर, बचा क्या आपका लास्ट में दिल्ली, दिल्ली बच गया। अब देखो क्या है, टीसीएस सबसे ज्यादा, जियो उससे कम, फ्लिपकार्ट उससे कम, टीसीएस कहाँ जाएगा 37 के वाले में, ठीक है, जियो कहाँ जाएगा आपका,
जीरो आपका जाएगा जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर आपका 29, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि बीच अमाउंट ऑफ फॉलोइंग अर्न्स द हाईएस्ट, मतलब आपका सबसे ज्यादा कौन अर्न करता है। तो सी देखो, सी आपका विप्रो कोलकाता 62, आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। 29 का आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, ठीक है। तो आपका कॉम्बिनेशन कौन सा करेक्ट होगा, बी कोलकाता, बी कोलकाता नहीं है, बी 60 नहीं है, दैट इज करेक्ट। एफ फ्लिपकार्ट, ये भी आपका नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। 30 का आंसर हो जाएगा सी। 31 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है, डी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, डी जो है वो कौन से सिटी से बिलोंग करता है। तो डी जो है आपका सिटी से बिलोंग करता है पुणे, तो आपका 31 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी पर्सन आर मोर देन वन हु बिलोंग्स टू बैंगलोर, मतलब क्या है कि जो आपका बैंगलोर से जो बिलोंग करता है उससे कितने लोग ज्यादा कमाते हैं। बैंगलोर से जो बिलोंग करता है वो आपका 42 है ना, 42 आपका ये जो बैंगलोर से बिलोंग करता है 42, इनसे जो ज्यादा है वो कितने लोग हैं। तो एक तो आपका 60 के वाले हो जाएंगे, एक तो आपका 62 के वाला हो जाएगा, यही दो होंगे। तो आपका मात्र दो लोग जो है वो बैंगलोर वाले से ज्यादा कमा रहे हैं। आंसर क्या आएगा 32 का 2, मतलब बी ऑप्शन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है क्या कि ए वर्क्स इन विच द फॉलोइंग कंपनी, ए जो है वो कौन से कंपनी में काम करता है। तो ए का कंपनी कौन है आपका, IBM, आंसर हो जाएगा आपका 33 का ए। चलिए वो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लिखा गया है ऊपर 34 नंबर क्वेश्चन में कि फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन 5 गिवन ग्रुप, मतलब जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वो आपका 5 ग्रुप है ना, 5 ग्रुप आपका दिया गया है। इट्स कंसिस्टिंग ऑफ ए 4 लेटर वर्ड, मतलब आपका जो है आपका प्रत्येक जो प्रत्येक जो वर्ड है वो आपका 4 लेटर कंसिस्ट कर रहा है। प्रीसीडिंग बाय 3 डिजिट नंबर, मतलब उसके आगे आपका 3 डिजिट है ना, आपका नंबर दिया गया है 3 और 3 डिजिट नंबर है, उसके आगे 4 लेटर का आपका वर्ड है और उसके ठीक आगे आपका 3 डिजिट का नंबर दिया गया है। चलो हम तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन से हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया ऊपर में जो भी कंडीशन है हम लोग उसको पहले लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन से आपका 5 आपका ग्रुप क्या दिया है, पहला ग्रुप है 3, 2, 6 एच ए आर और एम, दूसरा क्या है 215 आर ए सी और ई, तीसरा क्या है 631 आर आई डी और ई, ठीक है। फोर्थ आपका है 271 ई ए सी एच, आपका फिफ्थ है 428 L E A और M, ये दिया गया है आपका, एक आपका ये सीरीज दिया गया या आपका ग्रुप दिया गया है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन क्या बोलता है, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला क्या, 34 नंबर क्वेश्चन कि इफ C इज एडेड बिफोर ईच वर्ड, है ना, जितना भी आपका वर्ड है उस सब सब में पहले क्या करना है आपको, C को ऐड कर देना है, C को क्या करना है ऐड कर देना है। Which is preceding by an even number, ठीक है, जो आपका even number से precede कर रहा है। तो even number आपका कौन-कौन सा है, यहाँ पे हमको देखना क्या है, even number से आपका precede कर रहा है, तो 326 आपका even number, ठीक है। उसके बाद एक और क्या है आपका 428 आपका even number, तो दो आपका even number वाला मिला है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, and G is added before each word which is preceded by odd number, मतलब C जो है वो add करना है even number वाले से पहले word में, और G जो है आपका वो add करना है जो आपका odd number है उसके पहले add करना है। तब क्या बोला है कि how many meaningful English word can be formed after adding of those letter, मतलब ऐसा कितना आपका meaningful word बनेगा ये सब letter को add करने के बाद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहला वाला ये इवन वाला ये हो गया, दूसरा ये इवन वाला हो गया। तो हम लोग पहले इवन वाले को लेते हैं,
326, अब एच ए आर एम लिखा गया है, इसमें सी ऐड कर दी है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका 428, इवन नंबर है आपका, एल ई ए एन लिखा गया है, ठीक है, इसमें भी पहले क्या करना है, सी ऐड करना है। तो ये दोनों हो गया आपका इवन नंबर वाला, कोई दिक्कत नहीं होगा अगर ये सब सही हो, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब दूसरा क्या है, ऑड नंबर वाला ढूंढते हैं। तो इवन नंबर वाले में सी ऐड करना था और ऑड नंबर वाले में कितना ऐड करना था, जी ऐड करना था, ठीक है। 215 आर ए सी ई, इसमें हम लोग जी ऐड करेंगे। दूसरा नंबर क्या है, 631 आर आई डी और ई, इसमें भी हम लोग जी ऐड करेंगे। तीसरा आपका क्या है, 271, ये ई ए सी एच, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जी ऐड करेंगे। तो पहले वाले इवेंट में हम लोग सी ऐड किए और दूसरे वाले में क्या किए हम लोग, दूसरे वाले में हम लोग क्या किए, यहाँ पे ऑड वाले में जी ऐड किया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये आपका ऑड का सीक्वेंस हो गया, ये आपका किसका सीक्वेंस हो गया, ऑड का सीक्वेंस हो गया। तो अब क्या बोल रहा है कि कितना मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। अब देखो ये चार और क्लीन दोनों ही मीनिंगफुल वर्ड है, मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है। उसके बाद आपका नीचे वाला में देखना है क्या है कि ग्राइड और ग्लिच जो है वो मीनिंगफुल नहीं है, ग्रेस आपका मीनिंगफुल है, इसका मीनिंग निकल सकता है। तो आपका दो वर्ड इसमें मिल गया इवन वाले में और एक आपका किसमें मिल गया, ऑड वाले में। तो आंसर क्या होगा, पहला आपका इवन का चर्चा किया था ना सी वाले का, तो पहला आपका हो जाएगा 2 और फिर आपका क्या हो जाएगा, ऑड वाले में 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा, भी कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या लिखा है कि ईच लेटर ऑफ वर्ड आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आपका प्रत्येक लेटर को क्या करना है, अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से राइट किस सीक्वेंस में अरेंज करना है, एंड दस न्यूली फॉर्म वर्ड्स आर रीअरेंज द डिक्शनरी, है ना। मतलब आपका अल्फाबेटिकली तो पहले अरेंज कर देना प्रत्येक लेटर को, उसके बाद जो आपका वर्ड आएगा उसको क्या करना है, आपका जो वर्ड आएगा उसको रीअरेंज करना है, दोबारा अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। मतलब अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी पहले देखे होंगे पहले कि आपका पहले ए आया होगा, फिर बी आता है, फिर सी आता है, है ना, फिर उसके बाद ए आता है तो डबल ए आएगा, बी आएगा डबल बी आएगा, सी आएगा डबल बी आएगा, है ना। ऐसे करके हमको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज थर्ड इन डिक्शनरी, अरेंज करने के बाद आपका ऐसा कौन सा वर्ड है जो डिक्शनरी में थर्ड प्लेस पे आएगा। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चंस, यहाँ पे हमको सिर्फ वर्ड से ही मतलब है, ये हार्म रेस राइड ईच और ये लीन से ही मतलब है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, यहाँ पे अरेंज करेंगे तो पहला वाला अगर इसका देखेंगे तो ए एच एम और आर आएगा, अगर अल्फाबेटिकली लेटर को अरेंज करेंगे तो ये फिर आएगा ए सी ई और आर आएगा। तीसरा वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा वाला आपका डी ई आई आर आने वाला है, फिर आपका ये चौथा वाला क्या आ जाएगा, ए सी ई और एच आएगा, ठीक है। और ये आपका पांचवा वाला क्या आएगा, पहले ए आएगा फिर ई आएगा एल आएगा और एम आएगा। तो ये आपका चार नया वर्ड हुआ अल्फाबेटिकली लेटर को हम लोग अरेंज किए तो, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, इसको अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज कीजिए, अकॉर्डिंग टू क्या कीजिए, डिक्शनरी अरेंज कीजिए आपका। तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज करेंगे तो पहले क्या आने वाला है, पहले आपका ए देखो ए देखो ए देखो और यहाँ भी ये देखो, ठीक है। तो आपका ए ए करके दिया गया है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी इसको अरेंज करेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज करेंगे तो पहले क्या आएगा, यहाँ पे ए ए तो सब में कॉमन है आपका, ए ए क्या है, सब में आपका ए कॉमन आ रहा है। इसके बाद वाला को हम लोग उठाएंगे, यहाँ एच है, यहाँ पे सी है, यहाँ भी सी है और यहाँ ई है आपका। एच वाला तो नहीं आएगा क्योंकि पहले ए सी का सीक्वेंस आएगा, और जब ए सी का सीक्वेंस आएगा तो यहाँ भी ए सी सेम है, ये तो ए ही बाद में आने वाला है,
एसी एसी दोनों में सेम है, यहाँ भी ई सेम है, यहाँ भी ई सेम है, मतलब आपका तीन लेटर दोनों का सेम है, ठीक है, तो बहुत कम के डिफरेंस का दोनों आने वाला है। इसमें पहले आर है, इसमें बाद में क्या है एच है, इसमें आर है, इसमें एच है, ठीक है। तो पहले वाले स्थान पे क्या अरेंज होगा मेरा, पहले वाले स्थान पे एच वाला अरेंज होगा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, ए सी ई और एच। दूसरा अरेंज होगा ये ए सी ई और आर, ठीक है। अब तीसरा का बात करें तो तीसरा तो ए सी खत्म हो गया, तो ए एच यहाँ है, तो ए एच से पहले आपका ए ई आएगा, वो भी ए सी के बाद, तो जैसे ही ए ई आएगा थर्ड वाले पे हम लोग ए ई एल एन तो लिख सकते हैं, तो हमको यही चाहिए ना कि डिक्शनरी अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज करने वाला आपका थर्ड वाला जो होगा वर्ड कौन सा होने वाला, तो पहला दूसरा तीसरा, तो ये तो हम लोग अरेंज किए हैं अल्फाबेटिकली अरेंज किए हैं। इसका ओरिजिनल जो वर्ड था ऊपर में वो था क्या एल ई ए एन, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका एल ई ए एन, तो आंसर आपका हो जाएगा 35 का ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए 36 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको डिलीट किया जाए। यहाँ भी हम लोग पी अरेंज करेंगे, यहाँ भी हम लोग पी अरेंज करेंगे, यहाँ भी पी अरेंज करेंगे, यहाँ भी पी अरेंज करेंगे, यहाँ भी आपका पी अरेंज करेंगे। ये देखेंगे पी एच आर एम फॉर्म हो रहा है, प्रेस हो रहा है, ठीक है, प्राइड हो रहा है, इच हो रहा है और आपका क्लीन हो रहा है, तो ये आप मेरा दो वर्ड बनेगा, पहला वर्ड बनेगा क्या प्राइड बनेगा, दूसरा क्या बनेगा पीच, ये आपका दो मीनिंगफुल वर्ड आपका बनने वाला है, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या लिखा गया, 37 नंबर क्वेश्चन जो है आपका लिखा क्या गया है कि चैंपियनशिप दिया गया सी एच, सी एच, ठीक है, चैंपियनशिप आपका दिया गया, चैंपियनशिप वर्ड में क्या करना है पहला लेटर, ठीक है, तीसरा लेटर, पांचवा लेटर, आठवां और ग्यारहवां लेटर क्या करना है निकालना है इसमें से, निकालने के बाद क्या होगा आपका कि मीनिंगफुल वर्ड इसे कितना बनाया जा सकता है, अगर कोई इसका मीनिंगफुल वर्ड बनेगा तो आंसर हो जाएगा उसका दूसरा वाला लेटर, उसका सेकेंड लेटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका एक से ज्यादा बनेगा तो आंसर क्या हो जाएगा एक्स, अगर ऐसा कोई वर्ड नहीं बनेगा मीनिंगफुल तो आंसर हो जाएगा आपका वाई। तो पहला वाला क्या है सी हो जाएगा, तीसरा वाला ए हो जाएगा, चौथा ये आपका, पांचवा हो जाएगा पी, फिर एन और आई, ये आपका निकल के आया है, तो इससे आपका एक ही मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है पैनिक, ठीक है। और जो आपका मीनिंगफुल एक ही वर्ड बनेगा, ठीक है, मीनिंगफुल जो आपका वर्ड बन रहा है उसका दूसरा लेटर पूछ रहा है, सेकेंड लेटर, सेकेंड लेटर आपका पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये 38 नंबर क्वेश्चन सिलेबस में आपका, अगर सिलेबस में पढ़े होंगे समझ में आना चाहिए, अगर नहीं पढ़े हैं तो कॉन्सेप्ट एक बार क्वेश्चन देखिए, उसमें थोड़ा मोटा कॉन्सेप्ट ही हम बता देंगे, उससे हो सकता है आप लोगों को समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या बोला, स्टेटमेंट पढ़ते हैं और नीचे कंक्लूजन, मतलब तीन स्टेटमेंट दिया गया, तीन कंक्लूजन दिया गया, नीचे में आपका आंसर भी फाइंड करने का ऑप्शन दिया गया है। लिखा क्या गया है कि ऑल डोर्स आर प्लॉट्स, मतलब ऑल डोर्स आर क्या है प्लॉट्स, सम प्लॉट्स आर मॉल, और मॉल्स आर क्या है हाउस, इतना दिया गया है,
यहाँ हम अगर ऑल ए इज बी कर दें, सम बी सी कर दें, ऑल सी इज डी कर दें, ठीक है, जो फिगर में दिखे मेरा वही सही होगा, उसके अलावा मेरा 1% भी सही होने वाला है, जो फिगर में दिखेगा वही बिकेगा इन द केस ऑफ डायरेक्ट टाइप। सिम्बोलिज्म का आपका 3 टाइप होता है बेसिक से, पहला डायरेक्ट टाइप, कंडीशन ऑफ इधर, और तीसरा पॉसिबिलिटी। तीनों का एकदम बढ़िया ट्रिक से अगर हम इसका स्टार्ट करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट को आपको बढ़िया तरीके से बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे समझ लीजिए कैसे बनाना है आपका। तो ये वाला जो आपका डायग्राम है वो पूरा बी के अंदर कवर हो रहा है, और बी का डायग्राम है जो कुछ आपका सी से रिलेटेड है। जब बी का डायग्राम सी से रिलेटेड है और सी पूरा डी है तो कन्फर्म बी का रिलेशन डी से भी होगा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ना सम ए इज ए, सम बी इज ए, यहाँ पे सम बी सी, या फिर सम सी इज बी, सम बी सी, सम डी इज सी, ठीक है। उसके बाद सम बी सी बोल सकते हैं, सम बी इज डी बोल सकते हैं, सम बी इज बी बोल सकते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि इसमें जो रीस्टेटमेंट होता है वो हमेशा गलत होता है, ठीक है। मतलब कथन को दोबारा अगर कंक्लूजन में लिखा जाए तो हमेशा क्या होगा, गलत हो जाएगा। पहला वाला कंक्लूजन आते हैं, पहला वाला कंक्लूजन क्या लिखा कि सम हाउसेज आर डोर, कुछ हाउस जो है वो डोर है। देखो दोनों में कोई रिलेशन है, इसका डायग्राम अलग है, इसका डायग्राम अलग है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा है कि सम हाउस आर डोर, कुछ जो माउस है वो क्या डोर है, इसका भी डायग्राम दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, बता ही नहीं गया तो हम लोग खुद से कंफर्म नहीं कर सकते, दूसरा भी गलत। तीसरा सम हाउसेज आर प्लॉट, कुछ जो हाउस है वो प्लॉट है, सही बात है, कुछ डी आपका बी है, तो तीसरा वाला सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3 फॉलो, मतलब डी आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, नंबर क्वेश्चन है कि ऑल फाइव आर कर्व्स, ऑल फाइव आर क्या हो जाएगा, कर्व्स हो जाएगा। ऑल कर्व्स आर क्या है, ट्रक, और सम ट्रक्स आर इन लेन, ऑल ए इज बी, ऑल बी सी, एंड सम सी इज डी, ठीक है। चलिए इसका कंक्लूजन क्या लिखा है कि सम लेंस आर कर्व, पहला वाला है कि कुछ जो लेन है वो कर्व है, बिल्कुल नहीं, फिगर में जैसा दिख ही नहीं रहा है, हम लोग खुद से बोल नहीं सकते हैं, तो पहला वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, सम ट्रक्स आर फाइव, कुछ जो ट्रक है वो फाइव है, बिल्कुल सही, कि कुछ सी वाला पार्ट आपका ये तो है ना, दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। तीसरा वाला क्या है, सम लेंस आर फाइव, कुछ जो लेन है वो क्या फाइव है क्या, बिल्कुल नहीं, ओनली आपका 2 फॉलो, ओनली आपका कितना होगा, ओनली 2 फॉलो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं। 40 में क्या लिखा है, ऑल स्टूल आर गन, ऑल स्टूल आर क्या लिखा है, गन, ऑल गन्स आर डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन और क्या है, ड्रॉ, सही तो है, ऑल इज बी, ऑल बी सी, एंड ऑल सी इज डी, ठीक। पहला वाला क्या लिखा है कि सम क्लॉज आर गन, कुछ जो क्लॉज है वो गन है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, फिगर में भी दिख रहा है, ठीक है। सम डायरेक्शन आर स्टूल, कुछ जो डायरेक्शन है स्टूल है, ये भी आपका सही है, ठीक है। ऑल डायरेक्शन आर क्लॉज, ऑल डायरेक्शन आर क्लॉज, अब देखो क्या है कि, और ये सॉरी 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 थर्ड वाला है ना कंक्लूजन, आपका सम क्लॉज आर स्टूल है, सम क्लॉज आर क्या है, स्टूल, थर्ड वाला भी आपका सही है, मतलब यहाँ पे क्या है कि ऑल फॉलो आंसर हो जाएगा, ऑल फॉलो अप आंसर हो जाएगा, रिसेट आपका खत्म हो जाता है इस 42 नंबर क्वेश्चन के साथ। तो मुझे ये कहना था कि वीडियो आप लोग जितना शेयर कर सको, जितना भी शेयर कर सको उतना आप लोग शेयर करो, एकदम चुपना नहीं, क्योंकि आपका एक ही क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ हर एक क्वेश्चन में सीखने को मिलेगा, और हम बिल्कुल सिखाएंगे एकदम अलग तरीके से, अलग टाइप से आप लोग को सिखाएंगे, अगर आप लोग इसको अच्छे से शेयर करोगे। तो कहना यही था कि हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट का भी वीडियो अपलोड करेंगे, बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं, लेकिन अभी SBI PO का जो मेंस तक हम लोग रुक जाएंगे वहां, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक चैप्टर का एकदम ट्रिकी मेथड से पेन फ्री सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे। इसमें आपको एकदम कम दिमाग लगाना पड़े, कम पॉसिबिलिटी अरेंज करना पड़े, तुरंत आपसे क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आएंगे विथ हायर लेवल क्वेश्चन, जीरो से लेकर हीरो तक चलेंगे हम लोग इस वीडियो के साथ और इस BR स्टडी पॉइंट के साथ। तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना।